राइट हैंड डाउन लेफ्ट हैंड लाइक दिस साइड पूरा खींच के एक बॉक्स पर। जब हम लोग लेफ्ट इन करेंगे सिर्फ राइट हैंड को ऊपर कर दो, सेम ये बॉक्स इधर जाए, फिर से राइट पैर बाहर जाएगा। समझा दे रहा हूं, ये कहते थे हम लोग चिजिक हैंड चेंज के, राइट लेग रखेंगे इधर से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. एकदम बेसिक ठीक है, लेकिन समझ रहे हो ना, ये सब इजी है। आप लोग बेसिक करना चाहोगे ये सब से कर पाओगे, लेकिन आप लोगों को मेन बेसिक दिखा दिया है। अभी थोड़ा डब देता हूँ ताकि आप लोगों को भी पोजीशन समझ में आए, क्योंकि पॉपिंग में ना अलग अलग, सिर्फ आपको बॉडी रिलैक्स रखना है जिधर बॉडी जाए। अच्छा, इसलिए आएंगे हम लोग स्क्वायर थ्रो, इसका ये जो इसको स्क्वायर थ्रो कहते हैं, ये भी पॉपिंग ओल्ड स्कूल में या न्यू स्कूल में नहीं आता, तो वो हम लोग जाएंगे। इधर से नॉर्मल एक हिट लेना, बूम साइड, बूम साइड, अब इधर से 1, 2, 3, 4। इनका एनर्जी देख के खुद का एनर्जी बहुत बढ़ चुका है पहले तो, और बाकी बच्चे लोग बहुत मेहनती है। हम लोग उसे उन लोगों को पॉपिंग नॉलेज दे रहे हैं, पॉपिंग जो बहुत ही पुराना स्टाइल है, जो हिट से आता है, बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसके लिए, तो उसका जो छोटा मोटा टेक्निक है उससे हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन मैं देख रहा हूँ वो लोग मेहनत करते जा रहे हैं, इसलिए शायद मैं भी इतना पसीने में हूँ क्योंकि वो लोग मेहनत कर रहे हैं। अब तो डांस इंडिया के फाइनलिस्ट आ चुके हैं, कैसा सफ़र आपका था, अभी क्या कुछ आपका फाइनल? हाँ, तो DID में तो मैं बहुत पहले गया हूँ, 2014 में गया हूँ ठीक है, और बाकी उधर से मुझे जो मिला वो है एक्सपीरियंस मिला, नाम फेम मिलता रहता है, आता रहता है जाता रहता है ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि एक्सपीरियंस, इधर आया हूँ इधर से भी एक्सपीरियंस मिल रहा है। उस टाइम पे जब DID किए थे तो वर्सेटिलिटी कैसे आता है इंसानों में, क्योंकि इधर बच्चे लोग पॉपिंग मुझसे सीख रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी ये किंग ऑफ डांस में हर स्टाइल सिखाया जाता है, क्योंकि देख के ही समझ में आ रहा है लोग पॉपिंग सीख रहे हैं, इसका मतलब कंटेम्प्रेरी वगैरह। तो रियलिटी शो में आपको जाने के लिए आपको वर्सेटिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, तो वो सब चीज़ मुझ में आया है। आज मैं जो सिखाने वाला हूँ वो मेरा स्टाइल है, लेकिन रियलिटी शो में जाके मुझे बहुत सारे चीज़ सीखने को मिली, तो यही है एक्सपीरियंस है।